Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the human digestive system. Jo human digestive system hai, let us discuss so organs which are involved in the digestion. ठीक है, तो पहले हम discuss करेंगे कि जो है digestion, it starts from the mouth. इसमें बकल कैविटी कहते हैं, उसको ओरल कैविटी भी कहते हैं. इस बकल कैविटी में क्या होता है, टंग है, सब लिंगुअल है, सिलेवरी ग्लैंड्स है, मैंडिपुलर सिलेवरी ग्लैंड्स है, फ्रैंक्स आता है इसमें, इसके बाद सर्विकल पार्ट आता है. दीज आर द वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्वड इन द डाइजेशन. इसके बाद इसमें आता है थोरैसिक पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट. इसके बाद इसमें आता है डायफ्राम. डायफ्राम के नीचे अगर हम देखेंगे, इसमें लिवर है, स्टोमक है, गॉल ब्लेडर, पेनक्रियाज, इसी तरह से है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला जो स्टोमक के नीचे होता है, ट्रांसवर्स कोलन, इंटेस्टाइन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स में फिर ड्यूडनम, जिजीनियम, असेंडिंग कोलन. इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स में एक पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम अपेंडिक्स. तो इसके बाद जो डिसेंडिंग कोलन होता है, इसमें सिग्मॉइड कोलन होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है और एनल केनाल होता है. तो जो डाइजेशन जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. तो ये माउथ से स्टार्ट होती है. तो माउथ में क्या होते हैं, इसको कहते हैं हम ओरल कैविटी. ओरल कैविटी इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें टीथ होते हैं, टीथ जो होते हैं इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं. सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स. इंसिजर्स जो होते हैं इनको हम कटिंग टीथ कहते हैं, कैनाइन्स पर्सिंग टीथ, एंड प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग टीथ, एंड मोलर्स इनको हम विजडम टीथ भी कहते हैं. सो जिस टीथ दे हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ द फूड, ये क्या करते हैं, चिविंग ऑफ, चिव करते हैं फूड को, ब्रेक डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस. इसके बाद अगर हम देखेंगे टंग माउथ में होती है. इस टंग में क्या होता है, यहाँ पे हम दिखाएंगे अपर सरफेस ऑफ ह्यूमन टंग. इसमें फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग होता है, लिंगुअल टॉन्सल होता है, फॉर्मेन कैसियम, सल्कस टर्मिनल्स होते हैं, वेलेट पेपेले होते हैं, फोलेट पेपेले होते हैं, फिलीफॉर्म पेपेले होते हैं, ओरल पार्ट ऑफ टंग एंड फिंजीफॉर्म पेपेले होते हैं. ठीक है, ये जो टंग है, इट्स अ वॉलंट्री मस्क्यूलर एंड द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ बाई फूड कॉल्ड एज द लिंगुअल फर्मुलम. ठीक है, टंग ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ. द अपर सर्फेस ऑफ द टंग जो होती है, रिमेन्स डिवाइडेड इंटू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वी शेप्ड. द एपेक्स जो उसका होता है, इज मार्कड बाय स्मॉल मीडियन पिट कॉल्ड एज द फोरमेन कैसियम. टंग क्या करती है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टंग. ये टंग जो होती है, इट एक्ट्स एज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन. डाइजेस्टिव ऑर्गन है. इट हेल्प्स इन चिविंग बाय सेंडिंग द फूड अंडर द ग्राइंडिंग टीथ. ये गुजा को ग्राइंडिंग टीथ के नीचे लाती है. इट हेल्प्स इन स्वॉलोइंग द फूड. फूड को स्वॉलो करने में मदद करती है. इट एक्ट्स एज अ ब्रश टू क्लीन द टीथ. ये टीथ को क्लीन करती है. इट कैन ऑल्सो प्ले रोल इन स्पीच एंड फॉर्मिंग द वर्ड्स अलॉन्ग द लिप्स, टीथ एंड हार्ड प्लेट. इसे हम बोलते भी है. ठीक है, सो इसके बाद जब हम ये टीथ देखते हैं, इसमें हमने कहा था दैट इसमें इंसिजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं. अब ये जो इंसिजर्स है, इनको कहते हैं हम कटिंग टीथ, इसको कहते हैं पर्सिंग टीथ, इसको कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ और इसको कहते हैं विजडम टीथ. सो दे कन्वर्ट द फूड इनटू द पेस्ट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ टंग. सो हम इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. सो बकल कैविटी में मेन रोल किस किस का होता है, सबसे पहले टंग और टीथ का. इसके बाद इसमें आते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स. सलाइवा जो होती है, इट मॉइस्टनस द फूड. ये मॉइस्टन फूड को करती है. एंड इट कंटेन्स एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज द टाइलिन, जो कन्वर्ट करता है फ्रॉम माल्टोज टू ग्लूकोज, यानी
इसमें जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम वेरी बिगनिंग इन द माउथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा दैट इज़ द टाइलिन। सो बगल कैविटी में ये चीज़ें हो जाती है। इसके बाद